दिस इज तनु कात्यायनी गुप्ता, वेलकम टू माई चैनल मिरेकल्स ऑफ कृष्णा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मेरे ऊपर है और मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। मैं तो बहुत खुश हूँ इस एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए और आई होप आप लोग भी कुछ सीखो, कुछ न्यू आपको मिले या आप फील अच्छा सा करो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी अपने लिए कि मैं बहुत नेगेटिव थी पहले। वो आफ्टर बिफोर वाली बात होती है ना, वो चीज़ मैं आज आपको बताना चाहूँगी। पहले मैं बहुत नेगेटिव थी, लोग कहते थे कि यू आर सच अ नेगेटिव गर्ल, ये कमेंट मुझे सुनने को मिलता था। क्योंकि मुझे अच्छा सोचते सोचते ना नेगेटिव सोचने की बहुत एक आई वॉज वेरी हैबिचुअल, बहुत हैबिचुअल थी मैं कि उस कुछ भी काम होता था पिटी आ जाती थी उसके अंदर मेरे माइंड में, फिर मेरा वो काम नहीं होता था और मैं फिर खुद से कहती थी कि मैंने ऐसे ही सोचा था ना और यही हुआ। तो आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक यह है कि क्लीम मेड मी पॉजिटिव। जी बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ और बिल्कुल सच है ये कि क्लीम ने मुझे पॉजिटिव बना दिया है। अब तो मुझे दो पल के लिए आती है नेगेटिविटी और दो पल बाद चली भी जाती है, वो सब क्लीम के वजह से। जब से मैंने क्लीम करना स्टार्ट किया है तब से मेरी लाइफ में इतना सारे चेंजेस आए हैं, मैं खुद भी चेंज हुई हूँ। क्योंकि कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो क्लीम ने दिया है मुझे। बार बार मैं कहती हूँ कि आप लोगों के सामने मैं क्लीम की वजह से हूँ, उससे पहले मेरे में इतनी मेरे डेयरिंग नहीं थी, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, जबकि आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट होने के बाद भी। क्योंकि वहाँ तो हम रिहर्सल्स करते हैं इतनी सारी, एक महीना, दो महीना, तीन महीना रिहर्सल्स करते हैं उसके बाद स्टेज पर वीडियो बनाकर आप लोगों तक अपनी बात बोलना, पहुँचाना। और मैं कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती कि मुझे वीडियो में ये बोलना है, नहीं, मैं जो मन में आता है, जो फील करती हूँ टॉपिक के बारे में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, वही बोलती हूँ। तो मुझे कोई इस तरह से स्क्रिप्ट लर्न करके बोलना ये सब चीज़ें नहीं आती। और क्लीम ने मुझे बना दिया इतना कॉन्फिडेंट, थैंक टू गॉड ऑल्सो और थैंक्स टू क्लीम कि मैं इतने कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि मैं आप लोगों से अपने थॉट्स शेयर कर पा रही हूँ, आप लोगों से अपनी बात कहती हूँ और आप लोगों की भी बात मैं क्लीम के वजह से ही सुन पा रही हूँ, क्योंकि चैनल ही क्लीम की वजह से बना है। तो मुझे क्लीम ने पॉजिटिव टोटली बना दिया है। कभी मेरे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं क्लीम को माइंड में और मानसिक जाप या वो कहते हैं ना चलते फिरते ऐसे करने लगती हूँ, तो थोड़ी देर बाद वो चले जाते हैं थॉट्स और मैं खुद से अपने आप को फिर से रिफ्रेश सा महसूस करती हूँ और क्या पॉजिटिव फील, वो फीलिंग आने लगती है। आप करिए, क्लीम कर रहे हैं आप तो क्लीम करते रहिए। कभी नेगेटिव थॉट्स आए तो उसके लिए क्या करना है आपको, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना हो सके 2 मिनट आप क्लीम चैंट करना स्टार्ट कर दें, आपके नेगेटिव थॉट्स तुरंत चले जाएंगे, भाग जाएंगे और पॉजिटिव, यू विल डेफिनेटली फील पॉजिटिव और यू विल फील गुड ऑल्सो। तो करके देखिए। और जिसने मुझसे पूछा था आई होप उनका मैंने अच्छे से रिप्लाई दे दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए और फेस्टिवल सीजन में बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छे से सब साथ मिलकर अपनी फैमिली के साथ मिलकर सारे फेस्टिवल्स मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए। टेक केयर और फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।